بسم الله الرحمن الرحيم. वालदा को कैंसर है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। खाना काबा में आते हैं, दिल पे असर नहीं होता, इसका माना है कि दिल सियाह हो चुके हैं। इस्तग़फार पढ़ें और दरवेश शरीफ पढ़ें। नज़रों की हिफाजत के लिए लाहौर ज़्यादा पढ़ें। औरतों का माना नहीं है, माना यह है अफजल उनके लिए घर है, लेकिन अगर आना चाहें तो मना ना करो। जिंदू की तरफ से कोई उम्रा तवाफ नहीं होता। जमात जहाद में पड़ी है, ठीक है, अगर हम बयान भी सुनते रहें और अल्लाह का जिक्र भी करते रहें तो कोई बात नहीं। मेरा चचेजाद भाई, अल्लाह उनको शिफा दे, अगर फजर की सुन्नतें रह जाएं, सूरज निकलने के बाद पढ़ें। मेरे बेटे का नाम रहमत है, ठीक है, रहमतुल्लाह रख लो। बहरहाल पजामे का टखनों से जो हिस्सा नीचे, पजामे का हिस्सा नहीं जहन्नम में जाएगा, आपके टखने ही हम जहन्नम में जाएंगे। मेरी बीवी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है। बहरहाल हर नमाज के लिए वो आए, लेकिन अंडरवियर रखे या पैंपर वगैरह रखे। अगर किसी औरत ने खयानत की और उसने जिना किया है तो अब खामद क्या करे? या वो तौबा करे, तौबा नहीं करता तलाक दे दे, बाकी उसको मारने का हुक्म शरीयत में हाकिम को है, तुम्हें नहीं है। बहरहाल नसवार मुँह में रख के अल्लाह का जिक्र और काबतुल्लाह में न किया करें, ये गंदी चीज़ है, नापाक चीज़ है, बदबूदार चीज़ है। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि हत्ता के कच्चा बसल खा के भी मस्जिद में ना हो, ताकि तुम्हारी बदबू से दूसरे को तकलीफ ना हो। तुम नसवार रख के और अल्लाह हिदायत दे। मैं जिद्दे जब पहुंचा तो मुझे सिक्योरिटी वाले ने बोला कि अपनी बुनियान उतार लो। मैंने उतार दी तो क्या मुझ पर दम तो नहीं होगा? क्यों बुनियान उतार दी मुझे तो नहीं पता, यानी एहराम बांधा हुआ था, नीचे बुनियान थी, तो इसको पुलिस वाले ने बताया कि तुम एहराम बांधे हुए, नीचे तुमने बुनियान पहनी हुई है, कम से कम बुनियान तो उतारो। फिर मैंने उतारी, तो अगर तो चंद घंटे पहनी है तो सदका खैरात करो, और अगर पहने पहने पूरा दिन गुजर गया फिर दम पड़ेगा। औलाद के लिए मेरा भाई पहले तो चेकअप कराएंगे, नुक्स खामद में है या बीवी में, उसके बाद इलाज कराएं। इलाज के साथ जो कुरान में दुआ है, रब ला तज़न्नी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन, ये दुआ ज़्यादा किया करें, पढ़ा करें। अल्लाह कादिर है।